बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। सो फोर क्लास, एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर टू। हम अपना लेसन नंबर टू स्टार्ट कर चुके हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डन आवर लास्ट क्वेश्चन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने उसका लास्ट क्वेश्चन भी कम्प्लीट कर लिया था, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, जिसके बारे में हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। लेट मी शो यू द क्वेश्चन, हियर इट इज। लाइक था कि डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को डिफाइन करना था, तो वो हम कर चुके थे कि द फूड विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसा खाना जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो आपकी बॉडी को आपके न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत होती है जिनकी, उसको आप बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए थे वो हम पढ़ लेते हैं। लाइक लिखा हुआ है, विच इज़ द सिस्टम इन आवर बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम मौजूद होता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम मौजूद है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से जितने भी मटीरियल हमारी बॉडी में मौजूद हैं, मटीरियल लाइक खाना पीना, तो ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिस्टम कंट्रोल्स आवर बॉडी फंक्शंस। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है? तो वो है नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसको कंट्रोल सेंटर उसमें मौजूद है हमारी बॉडी का, दैट इज़ ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इज़ कॉल्ड इज़ द नर्वस सिस्टम। वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमें इनर्जी हासिल करने के लिए, फॉर इनर्जी वी ईट फूड, वी हैव टू ईट फूड फॉर इनर्जी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को इनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनर्जी के लिए हमें खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट इज, विच आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, लाइक हाँ लिखा हुआ, द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? दैट इज़ फ्लोर, राइस, एप्पल, हनी, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स एंड डेट्स। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फूड हेल्प्स आवर बॉडी इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सी ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा खाना है जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ में मदद करता है और रिपेयरिंग में हेल्प आउट करता है? तो ग्रोथ और रिपेयरिंग में जो चीज़ हमारी बॉडी में हेल्प आउट करती है, दैट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग भी करती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट थिंग इज, विच फूड शुड बी यूज टू बी हेल्दी। कौन सा खाना हमें खाना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए? तो सॉल्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बेसिकली गुड हेल्थ के लिए यूज़ होते हैं। लाइक लिखा हुआ, सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्दी टीथ एंड बोन्स। तो सॉल्ट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी दांत या अच्छी बॉडी को रिपेयर आउट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट आवर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। अब हम अपनी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। आप सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपके चैप्टर से रिलेटेड होती हैं, चैप्टर के अंदर से ही दी जाती हैं, तो इन पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और ढूंढने भी आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। सो फर्स्ट इज़, फैट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ। जो फैट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसका सोर्स, कहाँ से फैट्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं? मिल्क, बटर एंड पीनट से मिलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि फैट्स क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ का सोर्स बनते हैं? तो वो चीज़ है हीट एनर्जी। फैट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट, HEAT, हीट एनर्जी। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ डैश। इंसानी जिस्म जो है वो किस तरह काम करता है? लाइक अ मशीन। MACHINE, मशीन। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। द
The undigested food passes on to the dash. जो food हजम नहीं होता वो कहाँ पर pass हो जाता है? Large intestine. L-A-R-G-E, large. Everything we eat or drink is our. हर वो चीज़ जो हम खाते और पीते हैं क्या होती है? खाना, food. Everything we eat or drink is our food. F-O-O-D, food. Next आ जाए circle the correct answer. Wastes of the body are excreted out through. जितने भी waste होते हैं body में वो किस system के through body से बाहर निकल आते हैं? Excretory system. देखें, रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट योर ब्रीथिंग सिस्टम, आपके सांस लेने के अमल को कहते हैं. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट योर ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को कहते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम. विच इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का सोर्स इसमें कौन सा है? फ्रूट, हनी या मीट? सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो हमें मिलती हैं वो है मीट. विच वन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है? वाटर, सॉल्ट्स एंड विटामिंस. देखिए, विटामिंस की कमी से हमें बीमारियाँ होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. सॉल्ट्स ज़रूरी होते हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्दी टीथ के लिए, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत एसेंशियल है. सो वाटर इज़ द करेक्ट आंसर. एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स इन आवर बॉडी इज़, हमारी बॉडी में जो 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 सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज़ ऑल अबाउट आवर ब्रेन, तो इसमें हमें एनर्जी नहीं मिलती. डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ इसको हम कह सकते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल अबाउट आवर फूड, कि हम फूड अंदर लेके जाते हैं और उसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है. रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट ब्रीथिंग सिस्टम, ब्रीथिंग का मसला है यहाँ पर. ब्रीथिंग के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो द करेक्ट आंसर इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. वी फील टेस्ट विद दी हेल्प ऑफ, हम टेस्ट को किसकी वजह से पहचान सकते हैं? लाइक जायका हमें कैसे पता चलता है? आइस, आँखों से तो बिल्कुल पता नहीं चलता, देखने से आप कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मीठी है या नमकीन है या खट्टी है? तो टंग, जुबान, चखने से पता चलेगा. लिवर एंड पेंक्रियाज आर द पार्ट्स ऑफ दी, लिवर और पेंक्रियाज किसके पार्ट्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम? देखें, नर्वस सिस्टम तो ब्रेन है, तो लिवर और पेंक्रियाज पेट में मौजूद होते हैं. नर्वस सिस्टम तो ब्रेन का ताल्लुक है, नहीं आएगा यहाँ पर. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट वेसल्स एंड वेन्स एंड आर्टरीज, उसमें भी लिवर और पेंक्रियाज का कोई काम नहीं है. तो लिवर एंड पेंक्रियाज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ पम्प, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो पम्प की तरह काम करता है, जो हर टाइम धड़कता रहता है? दैट इज़ हार्ट, आपका दिल. ओके फॉर क्लास, एज यू ऑल नो दैट वी हैव कम्प्लीट आवर लेसन नंबर टू, हम अपना चैप्टर नंबर टू कम्प्लीट कर चुके हैं. लेट मी अगेन रिकॉल द ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे. फैट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, MACHINE, मशीन. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस ऑन टू द on to the large intestine. Everything we eat or drink is our food. Wastes of the body are excreted out through excretory system, which is the source of proteins, that is meat. Which one is essential for life process, that is water. Energy producing system in our body is digestive system. We feel taste with the help of tongue. Liver and pancreas are the parts of our digestive system. Which organ of our body works like a pump? That is heart. So this is it. We have complete our lesson number 2.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग फॉर क्लास, आपने ये जितना काम मैं आपको करवा चुकी हूँ आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है और अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी भी कभी भी आपकी कॉपीज़ चेकिंग के लिए बुलाई जा सकती हैं। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू डू योर वर्क इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्क। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।